हाँ जी, क्या हाल है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है ख्याली खाना। तो भाई जो भी खाना होगा आपके ख्यालों में उसको लाया जाएगा सामने। चलिए पेश करते हैं। तो भाई आज हमारी टीम ने ऑर्डर किया ब्रिटानिया के जितने प्रोडक्ट्स हो सकते थे वो सब दिल खोल के ऑर्डर कर दिए। तो हम वो आपके सामने लाएंगे और बताएंगे आपको कैसे हैं वो, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, लेके आते हैं चलो। तो भाई हमारी टीम ने करा है दिल बड़ा और ये देखो भाई ये पूरा थैला भरा हुआ ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स से। पता नहीं बहुत से हैं भाई, पता नहीं कौन से बिस्किट है, केक है, भाई बहुत कुछ है, वेफर्स है। आपको सबको दिखाता हूँ और बताता हूँ कौन कौन से लाए हमारी टीम। भाई निकालता हूँ प्रोडक्ट से क्या क्या निकाल लेके आ गए भाई। भाई आपको काउंट करता हूँ भाई कितने प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30 और भाई ये 30 टोटल 30 प्रोडक्ट्स है 30। अब करते हैं इन सबको ओपन और बताते हैं भाई इनका टेस्ट कैसा हो। भाई ब्रिटानिया का हमने पहला प्रोडक्ट देखा था, इसके अगर आप स्पेलिंग देखोगे ना ऐसा लगेगा भाई क्रोइसेंट क्रोइसेंट लिखा हुआ है। तो जब मैंने गूगल पे चेक किया ना भाई ये कोई फ्रेंच नेम है, उसको क्रोसो बोलते हैं, क्रोसो। तो आप भी जरूर चेक करना गूगल पे और हमें कमेंट सेक्शन में बताना भाई क्या स्पेलिंग लगी आपको इसकी। और करते हैं इसको ओपन। ये लिखा है भाई ब्रिटानिया का चीज क्रोसो वनीला क्रीम, इसका शायद वनीला फ्लेवर है, चेक करते हैं। और देखते हैं भाई क्रीम रोल टाइप होगा। ओ भाई साहब भाई तो बंद लग रहा है यार, ये क्या है, अभी ये बवाल है भाई इसके अंदर तो मुझे यार क्रीम रोल टाइप ही लग रहा है। देखने से क्रीम है वनीला अंदर, टेस्ट करता हूँ कैसा ये। चाय के साथ खा सकते हैं इसको, क्रीम रोल टाइप लग रहा है। इसका शायद हमने चॉकलेट फ्लेवर ही मंगाया, वो शायद ज्यादा टेस्टी होगा। ये बढ़िया वनीला फ्लेवर का, ठीक है मजेदार नहीं है बट बढ़िया, कल चाय के साथ खा सकते हैं। ब्रिटानिया का क्रोसो भाई। अगला प्रोडक्ट है ये ब्रिटानिया का गॉबल्स केक। शायद हम बचपन में स्कूल टाइम में जब जाते थे यार ये केक बहुत खाते थे। ये वाला एक शायद चॉकलेट वाला होता था, वो भी हमने शायद ऑर्डर करा, वो भी शायद आएगा, अभी अनबॉक्सिंग बताएंगे आपको। तो इसको ओपन करता हूँ और देखते हैं भाई शायद बचपन वाला टेस्ट अभी भी रिलीव कर पा रहा है नहीं। भाई ये देखो अंदर से ऐसा दिख रहा है, हाँ ये वही बचपन वाला केक ही लग रहा है यार, सेम वाला केक। तो कभी भी खा सकता हूँ भाई, मतलब कभी ऑफिस का काम कर रहा हूँ या फिर भाई कहीं भी जाते हैं ट्रिप वगैरह में गाड़ी में लेके जा सकते हैं। प्राइसिंग तो बताई मैंने आपको, ये वनीला ड्रिंक क्रॉसो में पड़ा था 20 रुपीज़ का MRP। और जो गॉबल्स केक हमने फ्रूट वाला मंगाया था फ्रूटीपन, ये हमको पड़ा था 30 रुपीज़ का। तो भाई अगला केक जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा ब्रिटानिया का रोल यो, अब इसको करते हैं ओपन। ये हमको पड़ा है इसके MRP की रेट क्या भाई साहब,
अरे 10 रुपए का केक था शायद, एक मिनट चेक कर लेना। हाँ भाई 10 रुपए, 10 रुपीज की MRP है। सोचता हूँ तो ये देखते हैं कैसा होगा। अरे भाई ये लग रहा है तो चौको के केक नहीं खाए था आज। ओ भाई साहब जरा ये चेक करो यार, भाई ट्रेन है केक की, देखा ये आया इसके अंदर, सही लग रहा है। आ जा अंदर देखो, ब्राउनी वाली चॉकलेट फील नहीं होती भाई, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा। ठीक है यार 10 रुपए में मैं अंदर तो चॉकलेट है भाई, मेल्ट हो रही है, बहुत सही। 10 रुपए बहुत है यार भाई। टीम ने कुछ प्रोडक्ट्स और डबल ऑर्डर कर दिए भाई। ब्रिटानिया का एक और बार क्रॉसो वनीला फ्लेवर अभी तो टेस्ट किया था, एक लिया है और क्या डबल है भाई। एक और रोलियो केक लिया है और बाकी सब देखते हैं भाई, कुछ डबल आता तो वो नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट है भाई हमारा ये ब्रिटानिया का गॉबल्स केक चॉकलेट फ्लेवर। ये शायद आपको टेस्ट याद ही होगा इसका कैसा होता है, फ्रूट वाले केक की तरह ही था, बस थोड़ा इसमें कोको का फ्लेवर आएगा। बाकी टेस्ट मुझे याद है, बहुत सही होगा। ये तो मैं बहुत बार ट्राई कर रहा। ये देखो ये हमारी केक की पूरी ट्रे, एक केक निकालते हैं। अरे यार टूट गया, तो इतना सारा केक नहीं खाया जाएगा, इतना काफी है। भाई इस केक के टेस्ट से तो मैं वाकई हूँ, ये वाला टेस्ट मुझे याद था, बचपन में बहुत खाया। ये वाला केक हमें पड़ा 15 रुपए का है। इस पे तो भाई मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये केक बहुत टेस्टी होता है। भाई जो अगला प्रोडक्ट है ये ब्रिटानिया का न्यूट्री चॉइस ओट्स चॉकलेट एंड आलमंड। ये शायद वो डाइजेस्टिव बिस्किट नहीं आते भाई, लुक तो उसकी जैसी लग रही है, बट इसमें शायद चॉकलेट की चिप्स होंगी। इसको करता हूँ ओपन। तो भाई ये तो पूरी चॉकलेट की लग रही है यार, ये देखो आप, ये दिख रहा है भाई कैमरे में, ये देखो पूरी चॉकलेट चिप वाली कुकी है। ये शायद वो कैश यूज केस पे वो भी है थोड़े थोड़े। इसमें थोड़ा थोड़ा कोकोनट का फ्लेवर आ रहा है। अरे ये तो बहुत सही है, इसके बाद भी हमें पड़ी है 25 रुपए की, पर मैं ये दोबारा मंगा के खा सकता हूँ। सही है, ये बाद में खाऊंगा, इतना सारा है भाई क्या कहता हूँ। तो भाई ब्रिटानिया का जो हमने सबसे पहले प्रोडक्ट ओपन किया था, उसका दूसरा फ्लेवर आ गया है, ब्रिटानिया ट्रीट क्रॉसो चॉकलेट फ्लेवर। ये टेस्ट करते हैं, ये सही लग रहा है, देख रहे हैं वनीला वाला यार थोड़ा चाय के साथ खाने लायक था। ये वाला देखता हूँ, इसको ओपन करते हैं, चॉकलेट की फिलिंग निकलेगा। काश 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 है यार, नॉर्मल सी है बट ये ना बिल्कुल चॉकलेट रोल लग रहा है। क्रीम रोल था तो वनीला डाल दिया, ये क्रीम रोल है इसमें चॉकलेट डाल दी। खाने लायक तो है पर वनीला है ज्यादा, मुझे चॉकलेट चाहिए लग रही है। ये वर्क किया, वर्क कर रहा है क्या यार, फिर से मंगा लिया रोलियो के, कितने हैं भाई ये पैकेट। भाई अगला है ये भाई ब्रिटानिया का जिम जैम प्रोडक्ट। ये तो इससे तो हम वाकिफ है यार, बचपन में तो जैम वाला बिस्कुट, जैम वाला बिस्कुट कहते थे ना, जैम वाला, ये भाई जैम वाला बिस्कुट है। ओपन करते हैं इसको, बचपन अपना याद करते हैं। इसकी तो मौत होता था भाई, ये इसकी लड़ाई हो जाती थी भाई भाइयों में, भाई ये मेरी बारी है, मेरा बिस्किट है, मेरे पैसे है, मेरी पॉकेट मनी है, तो मैं ही खाऊंगा। ये खा के देखता हूँ, देखो याद आया, देखो ये थी जैम अंदर वनीला क्रीम, चल लाइफ बहुत सही है। इसके लिए ब्रिटानिया को यार तारीफ का मैसेज भेजना चाहिए भाई, बहुत सही शुरू बना उन्होंने।
का पहला बिस्कुट था बचपन में हम खाते थे जैम वाला बिस्कुट, कैसे कहते थे बिस्कुट बिस्कुट कहते थे इसको यार, पैकेट वही हमें पड़ा है 10 रुपए का, 10 का ही आता भाई छोटा पैकेट। तो अगला मैं बताऊं भाई, हमने मंगाया ब्रिटानिया का एक रोलियो केक, जो भी अपने चॉकलेट वाला टेस्ट किया था ना, ये उसका वनीला फ्लेवर है। ये ओपन करता हूँ भाई, अंदर से निकलेगी वही वाली ट्रे, उसमें से होगी छोटी सी एक केक भाई, देखो जैसा काला अंदर वनीला की क्रेट लग रही है भी, जरूर ट्राई करिएगा। और अगर आप भाई इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और प्लीज अपने फ्रेंड में शेयर भी कर देना। अगला क्या है, अगला है ब्रिटानिया का एक गुड डे चॉको चिप बिस्किट, ये भी छोटा पैकेट है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये है भाई 10 रुपए का, इसको ले सकते हैं। ये शायद हाइड एंड सीक जैसा होगा भाई, आया हुआ ना मुझे लगता था। ये देखो ये हमारा बिस्किट, आजकल वो लोग बहुत ऑर्डर कर रहे हैं ना रेड वेलवेट केक, उसी का देखो हमने एक प्रोडक्ट मंगाया मिलता जुलता ही देखो, ब्रिटानिया का गॉबल्स रेड वेलवेट भाई, इसको देखते हैं कैसा होगा, इसका रेट होता कितने का ये भाई, ये हमें पड़ा 10 रुपए का। और इसको ओपन करते हैं यार, एक अलग से सीन लग रहा है, ये क्या दे दिया भाई, केक था उसी को शायद दो बड़े बड़े टुकड़े ब्लॉक्स दे दिए भाई, ईट हो गए, ये कहाँ से रेड वेलवेट है भाई, होगा यार थोड़ा देखो टेस्टिंग में तो देखते हैं कैसा होगा, बट यही है भाई रेड वेलवेट, और 10 रुपए में यही आएगा। यार टूटी फ्रूटी केक में इसमें कोई फर्क नहीं लग रहा, कह रहे तो मान लेते हैं भाई रेड वेलवेट, बट इसके अंदर
अगर आपको एमआरपी बताऊँ ना, ये हमको पड़ा है 50 rupees इसकी एमआरपी लिखी हुई है। अगर डिस्काउंट वगैरह मिला ऑनलाइन तो पता नहीं, वो जल्दी आपको पता होगा। ये निकली है ऑरेंज फ्लेवर वेफर्स, बचपन याद दिला रहे भाई। हमारी सीरीज अगर आपको याद है तो हमने एक बचपन सीरीज भी स्टार्ट करी है, प्लीज उसका एपिसोड जरूर देखना, बहुत सही लगेगा। ठीक है यार, ये ऑरेंज फ्लेवर है और क्या लोगे। अब क्या ओपन करें, ये सब हमने शायद रिव्यू कर लिया। ये बोलता है भाई ये क्या भाई, ये ब्रिटानिया का कोई न्यूट्री चॉइस सीड्स बिस्किट ग्रीन कलर का। इसको ओपन करता हूँ और बताता हूँ भाई ये कैसा होगा। भाई ये बिस्किट लग रहा है वो टार्टी से भाई, यानी आगे ज्यादा भाई चाय में डिप करने वाले बिस्किट तो लग रहे हैं। सीड से इनका क्या मतलब है, जीरा सीड है क्या, पंपकिन की सीड है नीचे। भाई जितने हमने क्रीम वेफर्स मंगाए ना, ये अच्छे ही हैं। ये तो यार बच्चों ने भी हम खाते रहते थे तो उसके तो यूज्ड टू है। भाई अगला क्या है, भाई ब्रिटानिया का एक और से गोबल केक है, पाइनएप्पल फ्लेवर। इसको ओपन करता हूँ तो भाई हमारा पाइनएप्पल फ्लेवर हमारा केक, चॉकलेट केक नहीं है भाई ये केक। ये भी केक टूटी फ्रूटी जैसा केक ही लग रहा है यार, बट देखते हैं फ्लेवर। पाइनएप्पल की एसेंस डाली है बस, एक तो मिलता जुलता ही लग रहा है। ये क्या है भाई, ब्रिटानिया, ये ब्रिटानिया का आपका क्रॉस हो फिर से। ये है हमारा मिक्स फ्रूट, इसे ना मुझे लगा जाम डाली हो, इसके अंदर चॉकलेट फ्लेवर थी वनीला वाले के अंदर बन गया था, ये ही थी शायद थोड़ी सी भाई जाम वाले के अंदर। देखते हैं भाई क्या जाम, पूजा के लिए जाम लगेगी
की भाई उम्मीद थी, अंदर है जान। तो आप कह सकते हो भाई ये ब्रेड जान की तरह ही लगेगा, आगे देखते हैं। ₹50 का ओपन करता हूँ। वनीला उससे जो मैंने दूसरा फ्लेवर खाया था उससे अच्छा लग रहा है, चॉकलेट वाला वर्क बेस्ट है। तो भाई अब आया हमारा ब्रिटानिया का क्रीम वेफर, सेम बचे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, इसको ओपन करता हूं। इसके एमआरपी भी शायद सेम ही है यार, ₹50। ओपन करके बताता हूं यार, इतनी पैकेजिंग है यार इसकी, आधा बंदा तो वही पैकेजिंग नहीं बदल रहा। यार चॉकलेट तो मार के दे पाएगी, बट टेस्ट करके देखते हैं। आइसक्रीम लग रही है, वो बचपन में रेडी वाले आइसक्रीम आती थी ना, उससे ज्यादा फ्लेवर लग रहा है भाई। ये कोई नई चीज लग रही है, ब्रिटानिया न्यू पीपल्स देखो ओट्स वाले बिस्किट। ये शायद हमने अभी जो चॉकलेट आलमंड वाले ट्राई किए थे ना, ये उसी का कुछ मिक्स फ्लेवर लग रहा है। ये ऑरेंज एंड आलमंड है, ये वाला चेक करते हैं, शायद इस पे ऑरेंज का कुछ एसेंस होगा और फिर वही सेम शेप वाला सी। जैसे चॉकलेट और आलमंड्स में देखो अंदर चॉकलेट चिप थी, इसके अंदर वही थोड़े आलमंड्स दिख रहे हैं और ऑरेंज का सेंस शायद फ्लेवर होगा और कुछ। ऑरेंज का अंदर फ्लेवर है, थोड़े चिप्स आ रहे हैं वो भी आलमंड्स के, नटी फ्लेवर है थोड़ा, ठीक है यार खा सकते हो यार। ये तो सबका फेवरेट है यार, ब्रिटानिया का लिटिल लार्ज। ये तो भाई इसके लिए ₹5 की पिछड़ा डालते थे, मैंने कितने का मंगाया, ये बड़ा वाला पैकेट लग रहा है भाई, ₹30 का पैकेट है। इसको ओपन करता हूँ, इसके टेस्ट में शायद आप सब वाकिफ ही होंगे, पर फिर भी यार आप प्रोडक्ट लाए दिल पर ओपन करके इसको टेस्ट कर ही लेते हैं भाई। ये रहे हमारे दिल, इसके अंदर बनी हुई है चीनी, ₹30 एमआरपी हमें पड़ रही है ₹30 की। ओपन करता हूँ भाई, ये डिजाइन देखो, ये डिजाइन देखो, देख रहे हो ये भाई चॉको वनीला, जैसा ही दिख रहा है भाई, थोड़ा चॉकलेट डाल दी, थोड़ा वनीला फ्लेवर आ गया। करता हूँ ब्रेक,
उसका मिक्स फ्लेवर है भाई, थोड़ा डिफरेंस नहीं है बट ये भाई अगर आपको टूटी फ्रूटी केक अलग लेना है, चौको अलग लेना पड़ेगा, तो भाई ये वाला ले लो। इसके MRP मैंने आपको शायद बता दी भाई, 30 रुपीज का पड़ा है। ठीक है भाई, ब्रिटानिया की हर एक चीज तो मुझे बहुत सही लगी। कहीं भाई ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो घूमने फिरने, ट्रिप पे गाड़ी में हो, कोई भी चीज ले जाओ भाई, सारी एक सही, एक से बढ़ के। और ये जो क्रॉसो थे ना, ये चाय के साथ खाने वाला माल है, बहुत सी चीज है। तो भाई ये था ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स का रिव्यू, जो हमारा पार्ट वन था वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो बहुत सही लगी और आप चाहते हैं कि हम इसकी नेक्स्ट वीडियो लाए, तो प्लीज इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स और शेयर करना, ताकि हम इसका पार्ट टू आपके सामने ला रखें। तो भाई करते हैं इस वीडियो को एंड, अगली वीडियो में लाएंगे आपके लिए एक नया ख्याल। और आप चाहते हैं कि हमारा चैनल आगे बढ़े, तो यार प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करवा देना और शेयर करवा देना प्लीज यार। और हाँ, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए ख्याल के साथ, तब तक के लिए